देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी को टिकट मिला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शरद त्रिपाठी के पिता हैं रमापति राम त्रिपाठी। बीजेपी ने 7 और प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तफसील से दिखा रहे, देखिए तस्वीरें। रवि किशन को गोरखपुर से मैदान में उतारा गया। 7 प्रत्याशियों का ऐलान, कौन कौन से है वो नाम जरा देखिए। रमापति राम त्रिपाठी को देवरिया से टिकट दिया गया है। प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से, देखिए शरद त्रिपाठी का टिकट कटा, प्रवीण निषाद को टिकट दिया गया। और शरद त्रिपाठी के पिता रमापति राम त्रिपाठी को देवरिया से उम्मीदवार बनाया गया है, मैदान में उतारा गया। बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों का ऐलान किया। लगातार मंथन चल रहा था और अब ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने। रवि किशन को गोरखपुर से मैदान में उतारा गया। बड़ा दाव खेला बीजेपी ने, टिकट मिल गया। कौन कौन से वो चेहरे हैं जरा देखिए गौर से। 7 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। बड़े दिग्गज कौन कौन से हैं वो और किनको मौका मिला है। प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से मैदान में है। और इसके अलावा रमापति राम त्रिपाठी को टिकट दिया गया देवरिया से। शरद त्रिपाठी के नाम को लेकर लगातार मंथन और काफी विरोध भी। उसी के बाद अब प्रवीण निषाद को मैदान में उतारा गया है। जूतम पैदार आपको याद होगा संत कबीर नगर में जो हुआ था। संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ से मैदान में है। रमेश बिंद भदोही से, मुकुट बिहारी अम्बेडकर नगर से मैदान में है। मुकुट बिहारी को अम्बेडकर नगर से मैदान में उतारा गया। रमापति राम त्रिपाठी को देवरिया से। और रवि किशन, लगातार इनके नाम को लेकर भी मंथन चल रहा था। फाइनली रवि किशन को भी टिकट मिला। संगम लाल गुप्ता को प्रतापगढ़ से मैदान में उतारा गया है। भदोही से रमेश बिंद है मैदान में और अंबेडकर नगर से मुकुट बिहारी वर्मा। संत कबीर नगर से कौन है, गोरखपुर से कौन है, देवरिया से कौन है, हर एक चेहरे को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 प्रत्याशी हैं, कौन कौन से वो नाम है?